हेलो, हाय, थैंक यू सो मच। हैप्पी मोस्ट वेलकम। थैंक बर्थडे। यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपकी सनादी से बात क्यों नहीं हो रही? मैं इसीलिए लाइव नहीं आना चाह रहा था, यही रीजन था कि ये सब बातें होंगी तो नो कमेंट्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ दानिश अल्फ़ाज़ के बारे में, क्योंकि गाइस कुछ दिन से खबर चल रहा है कि दानिश अल्फ़ाज़ एंड सना खान की ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन गाइस, आज पक्का खबर आया है कि दानिश अल्फ़ाज़ एंड सना खान की फाइनली ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि गाइस इसका प्रूफ भी है मेरे पास। क्योंकि गाइस, दानिश अल्फ़ाज़ एंड सना खान एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फाइनली ब्लॉक कर दिया। एंड गाइस, दानिश अल्फ़ाज़ एंड सना खान की अपने इंस्टाग्राम आईडी पे जितना भी दोनों का एक साथ पिक्चर था, सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। तो गाइस, आप लोग समझ सकते हो कि फाइनली दानिश अल्फ़ाज़ एंड सना खान अलग अलग हो गए हैं। एंड गाइस, दानिश अल्फ़ाज़ की आज बर्थडे भी था, और गाइस दानिश अल्फ़ाज़ ने अपने बर्थडे स्पेशल लाइव भी आए थे। लेकिन गाइस, दानिश अल्फ़ाज़ को फैंस ने सना खान के बारे में पूछने पर बिल्कुल इग्नोर कर दिया, यानी नो कमेंट्स बोल दिया एक फैंस को। तो गाइस, आइए देखते हैं दानिश अल्फ़ाज़ की अपने बर्थडे स्पेशल इस लाइव को। बताओ, तो वही हम बात करेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं एक्टिव नहीं था इंस्टाग्राम पे ज़्यादा। मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट डालूँ, फोटोज वीडियोज सब डालूँ। मैं एक्टिव नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं बहुत दिन से थोड़ा लाइक ठीक नहीं था, बट अभी आई एम फीलिंग गुड, तो मैं वापस से एक्टिव हो रहा हूँ। वापस से वीडियोस बनाऊँगा, सबके साथ वीडियोस बना रहा कि आप लोगों को एंटरटेन करूँगा। फिर से बहुत सारे गाने मेरे बन रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स आएंगे आप लोगों के लिए, वो काम चालू है। तो आप अच्छे से, जैसे प्यार आप करते हो हमेशा से, वैसे ही प्यार आप लोगों से चाहिए, बल्कि अब ज़्यादा चाहिए मुझे। अभी मुझे आप लोगों का और ज़्यादा प्यार चाहिए। मेरे बर्थडे पे मेरी यही विश है, यही चीज़ है आप लोगों से कि आप मुझे गिफ्ट में आप अपना प्यार दीजिए, बस बहुत सारा। इस टाइम मुझे बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। विश करता हूँ, आज लाइव आने का मतलब ये है कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैंने कोई पार्टी या कुछ ऐसा नहीं रखा है मेरी तरफ से। जो भी हुआ या हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स लोग और जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग कर रहे हैं। मुझे खुद का मेरा नहीं मन था बर्थडे मनाने का, तो मैं लाइव आया हूँ। ये मेरा एक सेलिब्रेशन है आप लोगों के साथ, और आप लोगों से मैं अपने बर्थडे पे बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुश किस्मत की बात है, और मैं चाहता था कि आप लोगों से अपना बर्थडे शेयर करूं। और मैं खुद कर क्या किया जाए, क्या करें, छोटा बच्चा हो गया। देखो, बहुत चीज़ें मैं नहीं उन चीज़ों पे कमेंट्स करना चाहता ना बोलना चाहता, तो उन चीज़ों को साइड में रखते हैं। हम काम की बात करते हैं, हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और बहुत लोग परेशान है यार, उनके लिए दुआ करो, सबके लिए दुआ करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। मैंने अपनी लाइफ में कभी ना किसी के लिए बुरा सोचा, ना किसी के लिए कभी बुरा किया, और ना ही मेरे फैमिली ने, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा सिखाया। तो सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सबके लिए अच्छे के लिए दुआ करता हूँ। मैं मेरे से पहले सामने वाले का अच्छा चाहता हूँ, बाद में अपने लिए सोचता हूँ। जो मुझे क्लोजली जानते हैं, जो मुझे बचपन से जानते हैं, जो मुझे मेरे साथ रहे हैं, वो सब जानते हैं कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं रेगुलर इस तरह की अपडेट देते रहता हूँ।